हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंचन शर्मा, कंचन स्मार्ट किचन से। आज हम घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट से हम अच्छा सा डेजर्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पे आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। अब हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे और इसमें हाफ कप चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने ठंडे दूध में कस्टर्ड घोल के रखा था, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और एक टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको बॉईल करते रहेंगे। यहाँ पे हमने वाइट ब्रेड लिया है, इसको आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हो। मैं यहाँ पे ग्लास से काट रही हूँ और हमने सारी ब्रेड काट के अच्छे से रेडी कर लिया। अब हमने जो दूध गाढ़ा करा था इसको ब्रेड के अंदर लगा लेंगे। हमने अब इसकी सैंडविच बना ली और जो बाकी का दूध बचा था अब हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हमारी ब्रेड रसमलाई बनके रेडी है। अब हम इसको पिस्ता और टूटी फ्रूटी से गार्निश कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।